सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव देवाणी में सिवायचक भूमि खसरा नंबर 200 पर रह रहे कालबेलिया और घुमंतू लोगों ने प्रशासन से स्थायी रूप से पट्टा जारी करने की मांग की है। इस हेतु सभी लोग उलेरिया के सरपंच प्रतिनिधि करनी सिंह बासपा नेता हंसराज नायक के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर ज्ञापन सौंप कर बताया कि हम लोग 15-20 परिवार पिछले 40 सालों से उस खसरे पर रह रहे हैं जो नगर पालिका छापर के अधीन है, इसलिए राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार हमें यहाँ पर निःशुल्क पट्टा दिया जाए ताकि सरकार के अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय, पेयजल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन आदि की सुविधा हमें मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजू नाथ, सिमू नाथ, लादू नाथ, धर्मनाथ, सुमित्रा नाथ, राकेश नाथ, सीताराम, निवास नाथ, प्रकाश नाथ, शिलानाथ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पिछले 40-50 सालों से हमारे कालबेलिया परिवार बसे हुए हैं, वो कम से कम 20 से 25 परिवार है। उन लोगों को, ये लोग बिल्कुल भूमिहीन है और अस्थायी रूप से अपने झोंपड़े वगैरह कच्चे मकान बनाकर वहाँ रह रहे हैं। इनके पास ना तो पक्के मकान है, ना पीने के पानी का कनेक्शन है, ना बिजली का कनेक्शन है, ना कोई शौचालय है। इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं है, जो सरकार की योजना है, उनका एक का भी इनको लाभ नहीं मिल रहा है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा घुमंतू, अर्ध घुमंतू जो जितने भी लोग वंचित हैं, उन सभी के लिए सरकार ने योजना रखी है कि भाई इन सभी को पट्टा दिया जाए ताकि ये लोग अपना स्थाई कोई अड्डा बना सके। उसके लिए हम लोग नगर परिषद, नगर पालिका छापर गए थे, आयुक्त महोदय को हमने वो लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, वो पैरा फेरी एरिया में है, आप एसडीएम साहब को दो। आज हम लोग इकट्ठे होकर के इन सभी को साथ में लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, तहसीलदार महोदय को भी देंगे, एडीएम साहब को भी देंगे और कलेक्टर महोदय को भी देंगे। सुजानगढ़ में पिछले 32 सालों से लगातार दश लक्षण महाव्रत धारण करने वाले दिगंबर जैन समाज के मंत्री पारसमल बगड़ा का शहर की लगभग 3 दर्जन सामाजिक स्वयंसेवी धार्मिक संस्थाओं द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर व शोल उड़ाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान करके माल्यार्पण करके पारसमल बगड़ा का अभिनंदन किया। इसी प्रकार बगड़ा की पत्नी गणपति देवी का भी सम्मान किया गया। जैन गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के बारे में महावीर प्रसाद पाटिल ने बताया कि इसे पूर्व पारसमल बगड़ा और उनकी पत्नी गणपति देवी को घर से बग्घी में बिठाकर गाजे बाजे के साथ जुलूस के रूप में जैन भवन लाया गया। कार्यक्रम पहुंचे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने कहा कि पारसमल बगड़ा हर सामाजिक कार्य में अग्रणी रहते हैं। अध्यक्ष सुनील जैन शटवाला ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, गिरधर भोजक, कमल तापड़िया, राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र केलका, विष्णु दत्त त्रिवेदी आदि ने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश सोनवाल, राम रत्न बोचीवाल, पार्षद पंकज घासोलिया, कमल तापड़िया, बाबूलाल गुजर, चेंडो गुजर, रफी खिची, एडवोकेट मनीष दादीज, माणक सिंह सराफ, हितेश चाकड़, अजय श्रावना सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने किया। मेरा मैंने 32 साल तक 10 लक्षण के व्रत किए हैं। इन व्रतों में अन्न और सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ 24 घंटे में एक बार पानी लिया जाता है। दिगंबर सुजानगढ़ की सभी समाजों ने, सभी संस्थाओं ने मेरा जो अभिनंदन किया है, मैं उससे गदगद हुआ हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि इसी तरह सर्वधर्म संभाव हमेशा सुजानगढ़ में बना रहे कि सब कोई भी कार्य किसी को हो तो सब लोग सबका अभिनंदन करें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।